आपका क्वेश्चन है, अ बॉयलर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर 2 मीटर लॉन्ग विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स ईच ऑफ 2 मीटर डायमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉयलर। तो देखो इसने क्या बोला है कि हमारे पास में एक बॉयलर है, बॉयलर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, तो वो आपका कैसा है, सिलेंडर शेप में, लाइक दिस। ठीक है, और क्या बोला है इसने, फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर 2 मीटर लॉन्ग, दैट मीन दिस इज 2 मीटर लॉन्ग, तो ये सिलेंडर का क्या हो गया, हाइट। तो वी कैन से एच इज इक्वल टू 2 मीटर्स। फिर क्या बोला है, विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स ईच, तो विथ है हेमिस्फेरिकल एंड्स, तो यहां पर भी आपका हेमिस्फीयर है और यहां पर भी आपका हेमिस्फीयर है, ईच ऑफ 2 मीटर डायमीटर, तो डायमीटर इज 2 मीटर है ना, तो डी इज इक्वल टू 2 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1 मीटर, तो रेडियस इज दिस, है ना। तो यू कैन सी कि सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर का रेडियस आर द सेम, तो वी विल राइट हियर ऑल्सो आर इज इक्वल टू 1 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, इसने बोला वॉल्यूम, तो व्हाट वी विल डू, वी हैव 2 हेमिस्फीयर, तो वी विल सिंपली राइट 2 into volume of the hemisphere. Plus volume of the cylinder. ठीक है, अब इसके फॉर्मूला लिखो, तो क्या आ गया, देखो 2 into volume of a hemisphere क्या होता है, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, तो दैट मीन्स 2/3 वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है वो, तो इन हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, है ना, एच आपका क्या बन जाएगा, आर, तो इट विल कम एज 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो नाउ इफ यू सी दिस तो यू विल गेट 4/3, दैट मीन्स 2 हेमिस्फीयर फॉर्म्स अ स्फीयर, है ना। तो अब देखो इसके अंदर आपका कॉमन क्या है, दैट वी विल राइट पाई आर स्क्वायर इज कॉमन, तो हमने कॉमन लिख लिया, पाई आर स्क्वायर इज कॉमन, तो यहां पर क्या बच गया आपका 4/3 r, तो वी विल गेट 4/3 r प्लस, और यहां पर क्या बच गया आपका h, अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, तो देखो क्या आ रहा है आपका, तो पाई इज 22/7, r स्क्वायर दैट मींस 1 स्क्वायर इज 1 into 4/3 r, तो 4/3 ओनली, है ना, 4/3 into 1 is 4/3 प्लस h, h इज 2, दिस इज इक्वल टू 22/7, और ब्रैकेट के अंदर आपका क्या है, देखो 3 इज द एलसीएम, तो क्या आ गया आपका 4 plus 6 is 10, तो अब ये आपका आ गया 22/7 into 10/3, दैट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, देखो 220/21 meter³। ठीक है, या तो आपका आंसर ये होगा और आप इसको कट करना शुरू करो, तो सबसे पहले 220 को हम 7 से कट कर देते हैं, तो देखो क्या आ रहा है, 220/7 into 3,
तो 7 से कट किया तो ये आपका आ गया 310, दैट मीन्स 1, फिर आपका बच गया 30, दैट मीन्स 4, फिर आपका बच गया 2020, दैट मीन्स राउंड फिगर 3। अब 3 से कट कर दो तो देखो क्या आ रहा है, इट विल कम एज 1.14 इज 4 एंड 23 मीन्स 7 एंड 6, दैट मीन्स राउंड फिगर इट विल कम एज 10.48 मीटर क्यूब। ठीक है, या तो आपका आंसर ये होगा और ये होगा, दोनों में से एक आपके आंसर होंगे। ठीक है।